ये रामायण देखो ना गाइस, बचपन से रामायण पता ही होगा। वो ये पूरी रामायण सीता हरण इसमें दिखा रहा, थोड़ा ये होगा सीता हरण राम जन लंका जाना सब इसमें पूरा एक रामायण डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है गाइस, तो गाइस अभी हम जा रहे हैं अंदर 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 अंदर। हाँ ठीक है, अभी वो लड़के दिख रहा है मंदिर में आया था और मुझे देखो कैसे कपड़ा पहन के कहाँ लेके आ रहे हैं भाई। नहीं नहीं ये स्कीम दे रहा है, इसको बोला था पहले ही कि कपड़ा चेंज कर लो। ये बगा चौदह गाइस, यहाँ पे आपको स्कैन करना पड़ेगा के और तो डायरेक्ट भी जा। प्रॉपर्टी देखो गाइस, प्रॉपर्टी ये हाय ये येलो का केबे, ये 16 वाला केबे, मतलब केब नंबर 16 है। ठीक है, और ये जो नीचे क्यों पता है, क्योंकि इसको ना ऊपर से बनाया गया था, मतलब मोस्ट ऑफ आप देखोगे कि कच्चा जो होता है वो नीचे से बनता है, बट इसको ना पहाड़ को वन पीस पहाड़ है और इसको ऊपर से काफ किया गया है। ठीक है, डिटेल देखो, मतलब ये बहुत पुराना बट नेक्स्ट लेवल है गाइस, नेक्स्ट लेवल। ठीक है, तो अभी इसके अंदर हम जाते हैं और अंदर एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, आइए। ये है डिटेल। ठीक है, मैं तो दोपहर तक पढ़ा, आप भी देख लो, क्योंकि आर्कियोलॉजी का ये पूरा फैक्ट से पूरा डिटेल है इसका, आप पॉज करके पढ़ सकते हो, बट पढ़ना बहुत नॉलेजेबल ही है। बाहर तो देख लेना गाइस, अब अंदर एक्सप्लोर करते हैं। आओ आओ जाओ 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 जाओ, चलो अंदर जाते हैं। अंदर का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, आप एक्सप्लेन कर दो, आपकी स्ट्रक्चर तो देखो।
मरून पत्थर से बना है, ऊपर से चालू हुआ था, इधर वो ऊपर से स्टार्ट हुआ है और इधर ऊपर से देखा गाइस, नीचे देखो, नीचे ये वन पीस में स्टार्ट हुआ है गाइस, वन पीस में ऊपर से नीचे तक, वो टाइम का आर्किटेक्ट देखो गाइस, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कहते हैं ना हमारे भारत में बहुत कुछ है गाइस, बहुत कुछ है। सो गाइस आओ अंदर, उधर ही है। मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध उसके पहले रणभूमि में खेला जाता है। देखो कुछ कुछ बदमाश बच्चे जो नहीं करना चाहिए वो सब एक करते, देखो नो एंट्री में देखो क्या कर रहे हैं। तो गुफा ही है वो। कहा जाता है कि जब वो ध्यान की मुद्रा में तो उन्हें ठंडी गर्मी बारिश उन्हें समय का एहसास ही नहीं हुआ, और उनकी जो मस्तक पर आप देख रहे हो गोलगोल वो एक्चुअली स्नेल थे, वो स्नेल खुद ही गौतम बुद्ध के सर के ऊपर विराजमान हो गए और उन्होंने वही अपना प्राण त्याग दिया ये कह के कि भगवान को गर्मी ना लगे। गाइस अभी हम आ चुके हैं बाहर, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, कमेंट 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 करो, कमेंट कमेंट करो गाइस, कमेंट 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 लाइक करो, बताओ कैसा लग रहा है आपको हमारा जर्नी। हां और रुपया बढ़ाओ गाइस, रुपया भरो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ। ठीक है गाइस, नेक्स्ट ब्लॉग में गरीब यूट्यूबर ब्रो।